हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। और आप सभी को पता है कि हमने रिसेंटली मारुति इग्निस बाय करी थी, तो आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं इग्निस का ड्राइव रिव्यू। आपको बताऊंगा कि गाड़ी चलने में कैसी है और इसका जो इंजन है उसका परफॉर्मेंस भी कैसा है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, आपको काफ़ी नॉलेज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलते हैं फटाफट से गाड़ी को लेकर ड्राइव के लिए। अगर आप 70 to 80,000 रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हैं तो आप इसमें इसका डेल्टा वेरिएंट बाय कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ फीचर्स जो है वो एड ऑन हो जाते हैं। तो बिना देर किए गाड़ी में बैठते हैं अंदर और चलते हैं। तो ऐसा कुछ गाड़ी का डैशबोर्ड मिल जाता है, पूरा ब्लैकआउट डोर मिल जाता है, डोर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए भाई, अभी गाड़ी स्टार्ट है और मैंने एसी ऑन किया हुआ है क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप है। तो आप देख पा रहे होंगे इंजन का रिफाइनमेंट काफ़ी सही है, कोई भी नॉइस कोई भी वाइब्रेशन गाड़ी में नहीं आ रही है। बात करें गाड़ी के इंजन की तो मारुति इग्निस के अंदर 1.2 लीटर का VVT 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि 83 PS ऑफ पावर वहीं 113 NMF टॉर्क जनरेट करता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में गाड़ी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, लेकिन फिर भी गाड़ी को ड्राइव करके ही देखते हैं कि चलने में कैसी है। तो मैं डालता हूँ गाड़ी को पहले गियर में, हैंड ब्रेक करता हूँ नीचे और अपनी गाड़ी चल पड़ी। बेस मॉडल है तो सीट में हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता, तो ये एक ड्रॉबैक मुझे थोड़ा सा लगा। हाइट एडजस्टमेंट तो यार आजकल सभी गाड़ियों के अंदर बेस मॉडल से स्टार्ट हो जाना चाहिए। थोड़ा एक्सीलरेट करते हैं। सही भाई, इस गाड़ी का इंजन काफ़ी रिफाइन है, चलने में गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग रही है। वहीं जो इसके पिलर्स है वो काफ़ी हल्के हल्के मिल जाते हैं, इसलिए आगे की जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। जब आप सीट पे बैठोगे तो आपको आगे का क्लियर विजिबल होगा। और अच्छी बात यह है कि स्टेयरिंग में भी आपको टिल्ट एडजस्टमेंट मिल जाता है बेस मॉडल से ही, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। एसी गाड़ी का बहुत ही पावरफुल है। अभी मैंने एसी की फैन स्पीड को 2 पे किया हुआ है तो भाई अच्छे से गाड़ी का केबिन कूल हो रहा है, तो इंजन के मामले में मुझे काफ़ी सही लगी। गाड़ी का टर्निंग रेडियस भी काफ़ी बढ़िया है, आसानी से गाड़ी मुड़ जाती है, 5 मीटर के अंदर ही गाड़ी का टर्निंग रेडियस है, तो मोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं। छोटी सी कॉम्पैक्ट सी गाड़ी है भाई, इस गाड़ी को आप कैसे भी किसी भी रोड में निकाल सकते हो, आराम से गाड़ी जो है वो निकल जाएगी आपकी। क्या बात है, ब्रेक चेक करते हैं एक बार। सही है यार, ब्रेकिंग भी गाड़ी की ठीक है, जो मारुति की अधिकतर गाड़ियों में होता है सेम ब्रेकिंग आपको इग्निस में मिल जाती है। बाकी गियर शिफ्टिंग काफ़ी सॉफ्ट है, ये देखिए मारुति की सभी गाड़ियों में गियर शिफ्टिंग सॉफ्ट ही मिलती है। अब बात करें गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में तो गाड़ी के सस्पेंशन भी काफ़ी स्मूथ बनाए, गाड़ी के सस्पेंशन काफ़ी सही है क्योंकि मैं गाड़ी को जैसे ही उबड़ खाबड़ रास्तों में लेके जा रहा हूँ मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं हो रहा, छोटे मोटे गड्ढे लाइंस बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होने वाले, स्मूथ सस्पेंशन गाड़ी में मिल जाते हैं। वहीं अगर बड़े खड्डे आ गए रोड पर तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। अब जैसे ये मेन खड्डा है इसमें लेके जाता हूँ गाड़ी को, ठीक है यार सही है। जो ये विंडो एरिया है ये भी आपको काफ़ी बड़े बड़े मिल जाते हैं, इसलिए विजिबिलिटी जो है वो साइड में भी काफ़ी बढ़िया आ जाती है। बेस मॉडल है लेकिन यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट दे दिए हैं, वहीं पीछे फिक्स हेडरेस्ट देखने को मिल जाएगा, मतलब कि 5-5.5 लाख रुपए के अंदर भाई ये गाड़ी लेना मुझे काफ़ी वर्थ लगा, क्योंकि भाई इस प्राइस रेंज में आप ऑल्टो एस्प्रेसो की तरफ ही जा सकते हो और इस प्राइस रेंज के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया इंजन मिल जाता है जो कि बलेनो के अंदर है, आपको डैशबोर्ड काफ़ी बढ़िया मिल जाता है और गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, गाड़ी भाई काफ़ी ऊंची है। तो अगर आपका बजट 5-5.5 लाख के आसपास का बन रहा है तो भाई डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि जो मज़ा इग्निस के अंदर है ना वो मज़ा आपको एस्प्रेसो और ऑल्टो नहीं दे सकती। एस्प्रेसो का जो लुक है ना वो इग्निस से ही मुझे इंस्पायर्ड सा लगता है, लेकिन एस्प्रेसो की बड़ी बहन इग्निस हम बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो डायमेंशन है ना वो आपको एस्प्रेसो से ज़्यादा मिल जाता है। जैसे आप इसका लुक चेक करोगे ना आगे पीछे का साइड से आपको काफ़ी बेटर लुक मिल जाता है, वहीं आगे पीछे स्किड प्लेट मिल जाती है, आप गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस चेक कर सकते हैं, काफ़ी
ऊंचा गाड़ी के अंदर जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है, वहीं ऊपर आपको नॉर्मल एंटीना मिल जाता है। स्पॉइलर जो आप ये देख रहे हैं ये पार्ट ऑफ एसेसरीज है, यहाँ पे कोई भी स्पॉइलर नहीं आता है, हमने ये बाहर से लगवाया हुआ है। और गाड़ी का फ्रंट लुक भी भाई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आप इसका डेल्टा वेरियंट लोगे तो आगे पीछे चारों विंडो यहाँ पर आपको पावर की मिल जाएगी, लेकिन ये इसका बेस मॉडल है तो यहाँ पे आपको आगे की विंडो ही पावर मिलती है। तो अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी कार देख रहे हैं तो भाई आप इसका डेल्टा वेरिएंट लो, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। चारों विंडो जो है वो पावर किया जाएगी, चार स्पीकर मिल जाएंगे, वहीं इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। मात्र आपको 70-80,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने हैं। वहीं डेल्टा वेरियंट के अंदर आपको आगे जो है वो फॉग लैंप भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाड़ी के अंदर टायर देखिए भाई, आपको 14 इंच के मिल जाते हैं जो कि ऑल्टो और एस्प्रेसो में आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 14 इंच के टायर मिल जाते हैं, वहीं बॉडी कलर जो है वो आपको ओआरवी मिल जाता है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर वापस से। क्लस्टर की बात करें तो बेस मॉडल में यहाँ पे आपको एनालॉग में ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, बाकी कोई भी आरपीएम मीटर वगैरह जो है वो गाड़ी में आपको नहीं मिलने वाला। अगर आप इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्लस्टर में भी बदलाव मिलेगा। तो भाई वो तो वही है कि आप जितना पैसा डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, तो भाई पैसा डालो और ज़्यादा फीचर लो। बाकी जो ये आप इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं ये भी पार्ट ऑफ एसेसरीज है। थोड़ी सी गाड़ी को फिर से एक्सेलरेट करते हैं। स्टेबिलिटी गाड़ी में ज़्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि गाड़ी को वर्टिकल शेप में डिज़ाइन किया गया है, तो इसलिए कोशिश यही करो कि गाड़ी को ज़्यादा ना भगाओ। हॉरिजेंटल शेप ना होने की वजह से गाड़ी के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी भाई काफ़ी सही है। आगे वाले टायर्स में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, वहीं पीछे वाले टायर में ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जेसीबी चल रही है भाई यहाँ पे, जेसीबी की खुदाई बहुत सही भाई। स्टीयरिंग मुझे काफ़ी लाइट लगी यार, अगर मैं आपको स्टीयरिंग दिखाऊँ ना तो ये देखो भाई स्टीयरिंग कितनी लाइट है यार, आसानी से मुड़ रही है स्टीयरिंग यार, बहुत सॉफ्ट स्टीयरिंग लगी मुझे इसकी। और स्टीयरिंग में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको सिल्वर एक्सेंट का यूज़ देखने को मिल जाता है। वहीं मैनुअल एसी यहाँ पे दिया गया है, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, ड्यूल हॉर्न मिल जाते हैं इसमें, ये देखो हॉर्न बहुत ही बढ़िया मिल जाता है, कितना हैवी सा हॉर्न है। ऐसा हॉर्न तो भाई मेरी अर्टिगा में भी नहीं है जो हॉर्न यहाँ पे मिल रहा है। बहुत ही उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, लेकिन भाई गाड़ी आराम से निकल गई, कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं गाड़ी को। बहुत स्मूथ सस्पेंशन है भाई, बहुत स्मूथ है गाड़ी, बिल्कुल आराम से निकल गई, कोई पता ही नहीं चला। बढ़िया यार। पीछे की सीट का अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊं तो मैं करता हूं गाड़ी को बंद और इसको करता हूं अपने हाइट के अनुसार एडजस्ट। ये देखो भाई मैं से बैठता हूं और अब मेरा स्पेस हो गया। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे वाली सीट पे और चेक करते हैं कि पीछे कितना स्पेस मिलता है। तो भाई ये देखिए स्पेस पीछे की सीट पे आपको इतना अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। जो आगे वाली सीट है ये मेरी हाइट के अनुसार एडजस्ट की गई है, तो आप देख सकते हैं लेग रूम मुझे कितना बेटर मिल रहा है। वहीं बीच में हम तो है लेकिन फिर भी 3 पर्सन आराम से बैठ जाएंगे, सीट भाई काफ़ी कम्फर्टेबल है। वहीं बात करूँ थाई सपोर्ट की तो इन सीट पर काफ़ी बढ़िया थाई सपोर्ट भी मिल जाएगा, बैठने में भाई मुझे सीट काफ़ी कम्फर्टेबल से फील हो रही है। वहीं पीछे से कुछ ऐसा लुक निकल के आता है इसके डैशबोर्ड का, डेफिनेटली काफ़ी प्रीमियम सी लुक आ जाती है नेक्सा की सभी गाड़ियों में। वहीं बात करें हेडरूम की तो गाड़ी काफ़ी ऊंची है इसलिए आपको काफ़ी अच्छा हेडरूम भी जो है वो गाड़ी में देखने को मिल जाता है। पीछे की जो विंडो है ये काफ़ी बड़ी बड़ी मिल जाती है इसलिए स्पेशियस सा आपको फील होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि यार आप किसी छोटी कार में बैठे हो। जैसे आप ऑल्टो लेते हो या फिर एस्प्रेसो लेते हो उसमें थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि गाड़ी छोटी है, लेकिन ये गाड़ी दिखने में थोड़ी छोटी लगती है बाहर से, लेकिन जब आप गाड़ी के अंदर बैठोगे ना तो आपको काफ़ी बढ़िया रूमी सा एहसास होगा, क्योंकि जो उसकी विंडो है ये काफ़ी बड़ी मिल जाती है। वहीं साइड में भी इन्होंने बड़ा सा ग्लास दे दिया है तो इसलिए आपको पूरी गाड़ी में एरी फील होगा, क्लस्ट्रोफोबिक जैसा आपको यहाँ पे फील नहीं होने वाला। पीछे वाली जो सीट है यहाँ पे आपको जो है वो मैनुअल विंडो का लीवर मिल जाता है। अगर आप इसके डेल्टा वेरिएंट में जाते हो तो जैसा मैंने पहले बताया वहाँ पे
ऑटोमेटिक विंडो आ जाती है, वहीं आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी मिल जाते हैं चारों ही डोर पे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। बाकी सीट की क्वालिटी काफ़ी सही है, सीट की कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। जब आप गाड़ी में बैठोगे आपको काफ़ी बढ़िया सा जो है वो फील होने वाला है। तो भाई अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो 5-5.5 लाख की रेंज में गाड़ी काफ़ी बढ़िया है, आप डेफिनेटली इस कार को बाय कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।